उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंसाफ न मिलने पर दर दर भटक रही पीड़िता। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद से है, न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता। आपको बताते चलें, कोतवाली जगदीशपुर के अंतर्गत ग्राम सभा इमली गांव में रहने वाली फिरोज जहां ने पुलिस अधीक्षक अमेठी को तहरीर के माध्यम से अवगत कराया है कि उनके पति रईस खान पुत्र फरीद खान की हत्या मुंबई में पाइपलाइन के बीच शांतिनगर थाना तालुका भिंडी बाजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे रईस खान बाइक से ज़मीन पर गिर गए और जब अपराधियों का दिल ना भरा तो लोहे की रॉड व डंडों से पीट पीट कर मार दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि जब मैं वहां पहुंची तो मेरे पति रईस खान को दबंग चारों लोग पीट रहे थे। पीड़िता फिरोज जहाँ का आरोप है कि उनके ही सगे चाचा के साले व उनके सहयोगियों ने मिलकर उसके पति को बेरहमी से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं मृतक की पत्नी का यह भी आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिश्वत देकर अपराधियों ने मिलकर हत्या जैसी घटना को एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया है। वहीं फिरोज जहां की माने तो आज उनके पति की हत्या हुए 3 महीने 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि मुंबई में भी न्याय के लिए दर दर ठोकरें खाती रहीं, लेकिन न्याय नहीं मिला और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमेठी को भी तहरीर द्वारा अवगत कराया गया है कि लाश को खोद कर फिर से पोस्टमार्टम करके अपराधियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अब तो यूपी पुलिस अन्य अपराध की जांच किस तरीके से और पीड़ित को न्याय कब मिलता है, यह तो वक्त के गर्व में है। क्या मामला है आपका? कहाँ पर? शांतिनगर पाइपलाइन के पास चारों जने जुटे मारत रहे हैं। हम फिर नानी का धमकी दिए, धक्का मार के खेल दिया, फिर धमकी दिए डर के मारे में कुछ नहीं बोलता है। फिर यही सब ऐसे लेके हॉस्पिटल गए, वहाँ कहा करें कहाँ नहीं, हमका बहाना स्क्रीन तो रूम पर चलो आधार दिन नहीं जाए ना कहीं, और जो छोटा वाला दिया रहा उनका लेके धमकी दे के कहा करें इसमें उनका सीधा पंचनामा करें सब कुछ करा लें, रास्ता भरे हम धमकी दिए तो लेके आए शकील में रकील रजा खसी। इस घटना को आज कितने दिन हुए? 3 महीना 9 दिन मरती गई। अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई हुई दोषियों के ऊपर? नहीं सुना जा रहा है ना यहाँ सुना जा रहा है। कहाँ कहाँ क्या चाहते हैं इसके आगे? मैं जो जे जे मारा हूँ उसकी सजा। कहाँ तक आप गई इसको पैरवी करते हुए? हाँ गौरीगंज गए, वहाँ जहाँ रहे ना फातिमा नगर मंडी वहाँ पे कहीं नहीं सुनी जा रही। प्रशासन की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला? क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है मोहम्मद फरीद खान। क्या मामला है आपका? मामला यह है कि हमारे लड़के की हत्या हुई बम्बई में, हमें बताया गया कि एक्सीडेंट है, गिर के मरे अपने आप, एक्सीडेंट भी नहीं, जिसको ड्यूटी पर से आ रहे थे और 5 अप्रैल की रात में हमको समय नहीं मालूम, ये मालूम कि 12 के बाद वहाँ से चले काम पर से और रास्ते में इनको मार दिया गया, पहले से प्लान बनाया हुआ था। हम उसी दिन शाम को गांव पहुंचे थे बम्बई से, हम घूमने गए थे और जिसने मारा, जिसके भाइयों ने, वो औरत बता रही थी खुद यहां घर पे आई थी कि 6 लाख रुपए डॉक्टर को दे के हेरा फेरी करवा दिया है मेडिकल में। आप यहां क्या चाहते हैं अब इसके आगे? हम चाहते हैं कि FIR हो और मुलजिम पकड़े जाएँ, उनसे पूछ जाछ हो, PM हो हमारे लड़के का फिर से, तो अगर वो हत्या हुई है तो उनको सजा मिले। जैसे कि मुंबई में हत्या हुई है तो आप किस पर आशंका जता रहे हैं? वो हमारे भाई के साले हैं 4, रकीब, शकील, हसीब, रजाक। यहाँ पर आपने अपने थाने से संबंधित लेके अपने जनपद में कहाँ तक कार्रवाई की, कहाँ तक गए आप इस मांग को लेकर? एक बार ADM यहाँ से मैं गया तो DM उठ गए थे जी। ADM के यहाँ जब वकील को लेके गया तो ADM ने लिखा कि हमें वो चाहिए, यहाँ आई जांच चौकी में, तो चौकी वाले इमाम सिपाही हमारे दरवाजे पर आए और फोटो दिखाया, सब दिखाया, तो बोलते हैं कि ये तो एक्सीडेंट है, ये मतलब मारा हत्या नहीं है। हमने कहा आप डॉक्टर हैं? फिर बोले चौकी पे आओ। दूसरे दिन चौकी पे गया तो वो बोले कि मैं कुछ करूँगा नहीं, चौकी इंचार्ज भी बोले कि मैं कुछ करूँगा नहीं इस केस में। मैं फिर दोबारा PM के लिए फिर गया तो DM उठ गए थे, DM के हाथ में वकील ने कागज पकड़ा दिया, DM ने